Parents used to refuse to accept that
So, front of the then child. Again, mask. In the front of the child only, they used to say that teacher, that you are only not having that ability how to change the child. At that time, what should we have to do? That sit here. यहाँ पे देखिए आपको क्या करने की जरूरत है. व्हाट यू हैव टू डू इज काउंसिल टू द पेरेंट फर्स्ट. आप स्टूडेंट्स को मतलब ये पहले सिर्फ पेरेंट्स को बुलाइए. आई वांट टू टॉक विद योर पेरेंट्स. टेक देम टू अलोन एंड टॉक देम. क्योंकि अगर आप किसी के फार्म हाउस के सामने चार लोगों के सामने अगर आप बोलोगे तो ही विल यू सी आपको ही बोलेंगे वो. लेकिन अगर आप पर्सनली इफ यू आर गोइंग एंड टेलिंग देम कि यू शुड नॉट डू दिस और यू शुड टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. आप काउंसलिंग करिए तो सिर्फ ये नहीं बताइए कि आपके अंदर ये बुराई है. आप ये भी बोलिए कि ही इज हैविंग और शी इज हैविंग दिस टाइप ऑफ गुड थिंग्स. तो अगर आप ऐसा भी बोलते हैं तो देख सकते अरे इतनी अच्छी चीज़ें हैं, सिर्फ एक दो चीज़ों में हमारा बच्चा कम है. तो वी कैन ट्राई टू डू बेटर टू देम. तो हमको कौन से पहले पेरेंट्स ही करना चाहिए बल्कि स्टूडेंट्स ही. व्हाट नेक्स्ट इज थर्ड इज आई थिंक आई रियलाइज दैट इज केयरिंग towards the student, teachers को caring रहना चाहिए, caring, supporting, helping. अगर आप उसकी care करते हो, if students are not coming one day, एक दिन नहीं आया, तो you should call the parents. What happened ma'am? Your son or daughter is not coming to the college. Call नहीं कर सकते, you can call them to the school. यानी principal के जरिए, management के जरिए, आप लोग क्या कर सकते हैं हमको? पेरेंट्स को बुलवा कर बात कर सकते हैं कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट. तो और नेक्स्ट आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज देखी मैं टीचर्स के अंदर. एज ए लेक्चरर आई कैन से टीचर्स डू पार्शियलिटी इन स्टूडेंट्स. ये अच्छा पढ़ता वो अच्छा नहीं पढ़ता. आई विल टेक केयर ऑफ हर आई विल नॉट टेक केयर ऑफ हर टीचर्स में नॉर्मली देखा गया. तो इज इट करेक्ट और रॉन्ग? This is wrong way. Behavior of teacher. अगर आप ऐसा करेंगे तो दूसरे बच्चे आपको रेस्पेक्ट देंगे. आप जिसको केयर कर रहे हैं, आप जिसको पूछ रहे हैं, जिसको अब मैं फर्स्ट टू में जिसको कुछ इम्पोर्टेंस दे रही हूँ. आई एम सेइंग यू एंड आई एम टॉकिंग टू यू एंड जस्ट मेकिंग केयर जोक्स विद यू. और पीछे वालों को बोलिए तो दे विल रेस्पेक्ट मी और नॉट? नो दे विल नॉट रेस्पेक्ट मी. तो मैं क्या करूँगी सबसे लास्ट वाली गर्ल को बोलूँगी आई नीड सम आंसर्स फ्रॉम यू. Because I want to take all the attention to me, all should give attention to me. I will tell like that. So what do you क्या हो गया? Partially. Do not do. Right? Am I right? Or wrong? Now my next question to you is, who is responsible for not getting respect? Teachers only the responsible for this thing. Teachers only responsible. If teacher will show the helping nature, caring nature, or they do not do any partiality with them, or teacher will respect the students, तो क्या है मालूम? Automatically respect किसको आ जाती? Teachers. So teacher only the responsible for it. हमारी जिम्मेदारी है. हम अगर हमारे बच्चों की रेस्पेक्ट करें तो लोग हमारी रेस्पेक्ट डेफिनेटली दे विल डू. नॉट ओनली दैट स्टूडेंट्स के पेरेंट्स विल डू, मैनेजमेंट आल्सो विल डू योर रेस्पेक्ट. कि अब किसके हाथ में है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी? टीचर्स के हाथ में है. राइट नाउ व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? व्हाई यू हैव चूजन दिस प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन आपने क्यों चुना? यू केम हियर टू TLA. Right? I think all girls, all teachers want to get good teacher and effective teaching. You want, I think. Yes or no? Yes. Yes, you want. So, why you choosing this profession? Why not other? Because teacher. Yeah, oh, don't give group answers. Yes, you see it. It is a noble profession. Yes, ma'am. Last. In this field, we'll get our knowledge will be improving. ये भी ऐसी है जिसमें हम अपनी नॉलेज क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं. वेरी गुड मैम, वेरी नाइस. इट इज अ रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन. रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन से. यस मैम. तो वन टीचर 45 ऑफ 50 स्टूडेंट्स कैन चेंज देयर बिहेवियर मैनर
maybe not all, but for few. Like, agar 45 meri strength hai, so I can change behavior of few, not for all. एक भी बदल गया तो आई एम वेरी हैप्पी. वेरी गुड, वेरी समझ में आया आपको. तो इसलिए आप प्रोफेशन चूज करें. टू चूज एनी प्रोफेशन यू हैव टू सेट योर टारगेट. नो कौन सा भी प्रोफेशन आप चूज कर रहे हैं, कौन सा भी पेशा आपको अख्तियार करना है, तो आपको फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, एक टारगेट सेट करना पड़ेगा. राइट, टारगेट यू हैव टू बी रेड. आपको ये करने का मकसद तो आपको होना चाहिए. मैं समझती हूँ अर्निंग मनी. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद अर्निंग मनी? ऑल? नो, नोबडी इज देयर. पैसे अर्न करते ना भी तो क्यों एग्री नहीं है? पैसे आते ना और खुशी से करते आप लोग. ऑल्सो एसेंशियल फॉर बेसिक नीड्स. Then, whenever we are going to choose any profession, we have to keep some target. To set your target, first you have to know yourself and you have to ask yourself that, who am I? मैं यहाँ पे पढ़ाने आ रही हूँ, तो who am I? I'm a teacher. और मैं अगर court में जा रही हूँ, तो I'm a lawyer or judge. So first, before you make your target, set your target, so पहले सबसे पहले you have to ask yourself that who am I? मैं कौन हूँ? What I want, मुझे क्या चाहिए? What is my passion? मेरी खुशी किसमें है? What is my passion? You should ask to yourself before you are entering in teaching profession. You should ask, मैं टीचर क्यों बनना चाह रही हूँ? क्या मेरे को खुशी मिल रही इससे? या स्टूडेंट्स को पढ़ा के खुशी मिल रही? या मेरे को वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रही कॉलेज में या स्कूल में मेरे को खुशी मिल रही? यू हैव टू सेट दैट टारगेट. यू शुड आस्क योरसेल्फ व्हाट एम आई. यू शुड आस्क, फर्स्ट यू शुड आस्क व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकती हूँ. सेकेंड क्वेश्चन टू योरसेल्फ, मैं क्या कर सकती हूँ? व्हाट कैन आई डू? कैन आई टीच? Can I handle the class? Can I make the atmosphere of teaching, learning? Can I? You should ask that yourself. उसके बाद आप क्या करेंगे? You should ask yourself, I want to do or not? Do I? आप ये professional में आने से पहले you should ask yourself, मैं ये कर सकती हूँ या नहीं? I have to do. मैं कर सकती हूँ. Then means, if you solve all these questions, answers of these questions, अगर आप ये सॉल्व करिए ना, then you can go to next step. आप अपने बारे में जान लिए, आप अपने बारे में समझ लिए कि आप टीचिंग प्रोफेशन कर सकते, तो यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप. यू अवेट योर सर, आप अपने बारे में जान लिए, इट कॉल आप अपने बारे में जानते हैं तो आप अपने बारे में जानते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? Self awareness is what it is, a learning hai. Aur ek understanding hai ye kiske bare mein, what you feel, what you like. Self awareness kya hai? Aapke bare mein hai, aapko kya pasand hai, aap kyun aisa feel karte hain, kya hai. Once you begin this अंडरस्टैंडिंग, यानी इसको आप अगर पहली बार में समझ गए ना, तो इट विल बी वेरी इजी टू हैंडल द सिचुएशन व्हेन एवर यू आर गोइंग टू डू एनीथिंग. आप टीचिंग में ही जा गए आप और आपने आपको समझ लिए, तो आपका एक वो पैशन बन जाता. तो आप अपने नीड्स ज़रूरियात के लिए आप अपने आप को चेंज कर सकते. एटमोसफियर समटाइम्स मे बी इट नॉट सूट्स टू यू. जाते थी गड़बड़ रहती, oh shit, I should not come here. मैं क्यों आई नहीं, आई कॉन्ट रीच देम. तो फर्स्ट यू हैव टू सेट द गोल, सेट द टारगेट योर. एंड टू सेट योर गोल और योर टारगेट, फर्स्ट यू हैव टू अवेयर योर सेल्फ. खुद से जान पहचान कर लीजिए, उसके बाद यू कैन चेंज एनी थिंग अबाउट योर सेल्फ. अगर मैं मेरे बारे में जान लूँ तो मैं अपने बारे में हर चीज़ चेंज कर सकती हूँ. एम आई और एम आई नॉट?
Yes. Yes. I can change myself according to needs. अगर आपको ये चीज आ गई तो ये आपको पर्सनल लाइफ में भी प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्प करेगा. किसलिए? रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए. आपस में रिलेशनशिप. अब आप स्कूल में जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप वहाँ अकेले होंगे. कहते क्या आप अकेले होंगे वहाँ पे? नहीं, किसके साथ आपका इंटरेक्शन होगा? सबसे पहले प्रिंसिपल से. यहाँ तो मिलते हैं. क्यों? इंटरव्यू है, जो भी है आपका रेज्यूमे वगैरह. यू हैव टू शो दैट एंड यू हैव टू कम अप विद योर पैशन, मतलब वो बता देने के बाद. देन सेकेंडली यू हैव टू मीट विद योर कोलीग्स. स्टूडेंट्स के लिए जाने से पहले यू हैव टू गो टू स्टाफ रूम, आई थिंक, राइट? स्टाफ रूम में जाइए ना. स्टाफ रूम में यू मीट टू योर कोलीग्स, राइट? एम आई राइट? कॉलेज से मिलेंगे, उससे रिलेशनशिप रहता, फिर आपका मैनेजमेंट से रिलेशनशिप रहता, फिर स्टूडेंट से आपका पेरेंट्स से रहता. तो ऐसा पूरा एक स्टेप वाइज हायरार्की इज इवॉल्व. तो सेल्फ अवेयरनेस के बाद अपने आप को जानने के बाद जब अपना गोल सेट कर लिए, व्हेन यू सेट योर गोल, तो उसके बाद क्या होता है, आप अपने एम्स और अपने ऑब्जेक्टिव आसानी से सेट कर सकते हैं. अब आपको मालूम है, ये आप तो सेट कर चुके, आपका टारगेट सेट कर चुके आप. मेरे को टीचर ही बनना है इन फ्यूचर, कुछ भी हो जाओ. तो आप समझ रहे कि आप सेल्फ अवेयरनेस के बाद ऐसा पहुंचेंगे क्या? सफर हो ना, गेट सम प्रॉब्लम्स, नो अटेंड ऑन सफर, यू हैव टू सफर सम प्रॉब्लम्स. तो इसको अब आप कैसा मैनेज करेंगे? आपके कुछ एम्स होंगे, प्लान्स होंगे, तो इसको क्रैक करने के लिए आप उसको यूज करना है. वो कैसा करेंगे, वो ऑन द सिचुएशन यू हैव टू डील विद देम. सिचुएशन कैसी है, जैसा अभी बोले मैडम के पेरेंट्स आके अब हम ही को ब्लेम कर रहे हैं कि यू आर नॉट टीचिंग वेल, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हर फेलनेस और जो भी है. तो इस ये सिचुएशन को अब आप कैसे हैंडल करोगे? एनीवन, हाउ यू हैंडल दैट? एनी वन ऑफ यू काउंसलिंग तो करेंगे, उसके अलावा आप क्या ऐसी बात क्या बोलेंगे जिससे आपसे इम्प्रेस हो जाना पेरेंट्स कि यू आर द बेस्ट, यू आर गुड टीचर? नहीं, अपोलोजाइज की तो बात ही नहीं है आपकी, मतलब अगर ब्लेम कर रहे, यू शुड रिएक्ट और रेस्पॉन्स. व्हाट यू हैव टू डू एट दैट टाइम, यू हैव टू रेस्पॉन्सिव. अगर रिएक्ट करे बदले में आप गुस्से में आ गए, हाँ मैंने करी ऐसा, आप ऐसा बोल सकते हैं मेरे को, बोलो अगेन इट विल बिकम अ बिग इशू फॉर स्टूडेंट, फॉर टीचर्स, फॉर पेरेंट्स, ऑल विल बी सफर फ्रॉम इट. तो आपको जो भी करना है, कैसे सब कैसा करेंगे आप? यस, टू प्लान, यू हैव टू प्लान फॉर एवरीथिंग. आपके एम्स भी प्लान करना है आपको, आपके ऑब्जेक्टिव भी प्लान करना है. गोल सेटिंग के लिए आई विल टेल यू समथिंग. गोल सेटिंग्स आर फॉर टू टाइप्स. फर्स्ट इज शॉर्ट टाइम गोल्स रहते हैं ना, आई थिंक यू नो दैट. लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम एंड लॉन्ग टाइम, यानी कि आप सेलेबस कैरिकुलम है या एक्स्ट्रा कैरिकुलम है आपकी, आप यू आर गिविंग सम गेम्स टू प्ले द स्टूडेंट इन द क्लासरूम, तो उसको भी आप सेट करेंगे. ऐसे जाके आप बैठ के आई एम गोइंग टू गिव यू सम वर्क एंड डू दैट बोल के नहीं बोल सकते, यानी ऑन द बेसिस ऑफ यू नो, स्टूडेंट के बेसिस पे बोलना है आप. तो शॉर्ट टर्म भी आपके गोल्स रहते हैं, लॉन्ग टर्म भी रहते. लॉन्ग टर्म कैसे रहते? ईयरली, साल भर में आपको सेलेबस करना है, साल भर में आपको बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी देना है और उनको परफेक्ट बनाना है, उनके मैनर्स यू हैव टू मेक अ ग्रेट. तो ये चीज़ें क्या हैं गोल सेटिंग के लिए? दो चीज़ें हैं. तो आपके लिए आपकी ड्यूटी क्या है? व्हाट इज योर ड्यूटी हियर? आपकी ड्यूटी ये है कि आपको समझना है, आपको आपके गोल्स पहले तो सेट करना है. क्या है आपका गोल्स? आज दिन भर का आपका टाइम टेबल क्या है? आपका टाइम टेबल आपका टाइम टेबल क्या है?
कितने क्लासेस को पढ़ाना है, कौन कौन से लेसन पढ़ाना है, कितना टाइम में मेरे को आई हैव टू फिनिश माय लेसन, यानी कि 4, 5, 6, 7 पेजेस का एक लेसन होता है, तो आप उसको कितने दिन में डिवाइड करना है, यहाँ आपको डिवाइड लेसन प्लान में आपकी मैं लेसन प्लान फॉर देट, तो उसको सेपरेट कर देना कि ये इतना बड़ा लेसन है तो आई कैन फिनिश इन 2 or 3 क्लासेस, अगर नहीं यू कैन फिनिश इन 1 क्लास, यू कैन डिसाइड दैट आल्सो। शॉर्ट टर्म आपके गोल से आज दिन भर के मेरे को 4 क्लासेस 5 क्लासेस देना है, तो फर्स्ट क्लास में मेरे को ये पढ़ाना है, सेकेंड क्लास में आई विल टीच दैट, एंड थर्ड क्लास देन फोर्थ क्लास, यू हैव टू प्लान दैट। ईयरली वाइज लॉन्ग टर्म पूरा ईयर में मेरे को ये सिलेबस को कम्प्लीट करना है, सब्जेक्ट वाइज शुड टेक time management. तो टाइम मैनेजमेंट के लिए देखिए, इसमें भी 4 टाइप्स आपको यू हैव टू फेस 4 टाइप्स। फर्स्ट इज डेली, सेकेंड इज वीकली, थर्ड इज अगेन इट इज बेस्ड ऑन कैलकुलर ऑफ एक्स्ट्रा कैलकुलर, ये दो चीजों पे बेस्ड रहता है आपका टाइम मैनेजमेंट। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू टीच, तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट को बढ़े, इवन इफ यू आर गोइंग फॉर एग्जामिनेशन, अगर एग्जाम लिखने जा रही है आपको 15 आंसर्स का क्वेश्चंस का आंसर्स लिखना है, तो हाउ यू विल डिवाइड इट। सो मैनी आई सॉ द स्टूडेंट्स कि उन लोग इसलिए आंसर्स छोड़ कर आते हैं कि उनके पास टाइम नहीं बचा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे डिग्री में, आई सॉ इन डिग्री कि दे लेफ्ट द आंसर्स बिकॉज ऑफ टाइम, दे लर्न दैट, दे रिवाइज दैट, एवरीथिंग दे हैव डन बट दे कांट अटेन देम, क्यों, बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टीचर्स के साथ भी ऐसे छोटा मालूम है क्या, सिलेबस है बट एक लेसन जो मे बी 1 or 2 days में दे कैन फिनिश, क्या करते हैं उसको 4, 5 days में दे यूज 4, 5 days 4, 5 classes फॉर दैट, तो ये सही है, वेस्ट ऑफ टाइम भी है, फिर टाइम मैनेज भी नहीं कर सकते उसके लिए, करेक्ट है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जब आप गोल सेट करते तो साथ ही आपके लिए पर डेली का रहें लो, वीकली रहें लो, मंथली रहें लो, ईयरली रहें लो, यू हैव टू मैनेज योर टाइम ऑल्सो, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड। कुछ पूछना है इसमें, डेली का मैम टाइम कैसा मैनेज करना, बट मैम सम टाइम मैम वी मैनेज द टाइम, इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट, सपोज इफ ही स्टार्टेड, इफ ही प्लान फॉर डूइंग वन एक्सरसाइज, For clarifying their doubts, it takes so much of time and that exercise will not be finished only. First you finish your lesson, then you will study your exercises, and those who are having problem to understand that problem, take them alone to your, with you or in the staff room, you can solve them. The staff room mein leke jaake aap unki problem solve kar sakte, yani ki whole class ke liye main ek person ke liye nahi ruk sakti hu. But if we do like that, means they will be thinking that we like that kids and that's why we are doing partiality towards them. Maybe, but they have to understand that exercise, no? So we can ask them to come later. I will make them understand that what is what. We can say politely, I don't have time to tell you now. I will explain you later. Come again. We can say like that to them. Because if we have पर्सनली, यानी जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है उसको समझाने के लिए हम इतना टाइम ले लेंगे, दिस इतना टाइम ले लेंगे, तो इट विल टेक मोर टाइम, यानी जितना
जितना आपको एक दिन में सिलेबस खत्म करना है यू विल टेक फॉर वन वीक है. तो जो स्लो लर्नर्स रहते हैं जो एवरेज है उनके लिए आप थोड़ा अपना टाइम मैनेजमेंट चाहिए. यू आर गोइंग फॉर योर पैशन नॉट फॉर मनी. फर्स्ट डिसाइड दैट. अगर मनी के लिए जा रहे हैं तो डोंट गिव योर टाइम ऑल्सो. अगर नहीं आप योर दिस इज योर पैशन यू वॉन्ट टू बिकम ए ग्रेट पर्सन तो आपको उनको अपना टाइम भी देना पड़ेगा. क्योंकि आपको कोई बड़ी चीज़ मिलने के लिए आप वहीं पे नहीं हो सकते, डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते. वो माउंटेन का भी सुने होंगे आप, खाली पेट सर से कैसे क्लाइम करें वगैरह वगैरह, तो टाइम लगता. सडनली आप हिल्स पे नहीं चले जाते. तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड योर स्टूडेंट इफ आस्क यू फॉर द एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन यू कॉल देम टू योर टू कम टू यू. स्टूडेंट्स बोलिए आपके पास आइए. उसके बाद है चलाई प्रोसेस को आर यू बोर्ड लास्ट गर्ल्स आप लोग बोर्ड हो गए नहीं हुए फिर बातें कर रहे हैं ना. नहीं आज का तो बहुत अच्छा हो गया कि वो लोग फाइव लेसन्स दे रहे हैं तो उसके साथ साथ टाइम बोल रहे हैं कि इतने टाइम में खत्म कर देना आप बोलते हो. दे आर गिविंग ओनली टाइम इतने में नहीं. You have to manage, that is time management. Just do fast first. If they are, जहाँ पे लोग को दिखा कि यहाँ पे it will be little bit tough, तो वहाँ पे उनसे थोड़ा explain कर दीजिए. जहाँ को feel हो रहा कि they are understanding well, तो फिर जल्दी 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 you can go fast. That's what I'm telling. आप बच्चों को ये कि if they are understanding easily, go fast. If they are not learning easily, तो रुक रुक के जरा ये है ये है. अगर नहीं समझ में आ रहा तो those who are not getting your words or your lesson, go to them. Book ले लेके बताइए आप नहीं ऐसा नहीं ऐसा है. Very easy. Teaching profession इतना easy है. बहुत अच्छा लिखा और यानी कि teach करना बोले तो enjoy करते हुए करना. It's fun. अगर मैं भी हो रहा मैं भी आ रहा अगर मैं गलत भी हूँ तो आई एम हैप्पी. आई कैन डू दैट बस बगर आई एम हैप्पी विथ यू. अगर आपको नहीं समझ में आया तो आई कैन डू एनीथिंग बट मैं तो एक्सचेंज कर रही हूँ भाई ऐसा. लेकिन आप लोग आ रहे शायद अगर किसी को नहीं आ रहा तो प्लीज़ रेज योर हैंड्स. टाइम मैनेजमेंट करके तो आ गया आया अंडरस्टूड. क्रिएटिव थिंकिंग थिंकिंग होना चाहिए टीचर के अंदर. मीन्स आप अगर मैं नहीं पढ़ा सक रही हूँ तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट है. वन फॉल्ट इज देयर इन मी. क्यों नहीं करना है वो सब आपको सेल्फ अवेयरनेस में मालूम करना है कि मैं कहाँ पे कमजोर हूँ, मेरे वीक पॉइंट्स क्या हैं, मैं वो वीक पॉइंट से ओवरकम कैसा हो सकती हूँ. तो ये कौन करने वाले हैं? टीचर्स को ही करना पड़ेगा. मैं ऐसा कहूँगा कि आपके अंदर ये कमजोरी है इसको निकालिए. आई कांट से दैट. आपको अपने अंदर की जो खामियां हैं जो अपने अंदर पर्सनली है वो चीज़ों को क्या है आपको निकालना है. क्रिएटिव थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग. ये दो चीज़ें एक साथ हमेशा डिसीजन मेकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग साथ में ही होते हैं. क्यों? एक आर्ट है डिसीजन लेना, एक आर्ट है क्रिएटिव. क्रिएटिविटी का मतलब बोलिए. क्रिएटिव का मतलब क्या है? न्यू आइडियाज, न्यू थिंग्स, समथिंग डिफरेंट. समथिंग डिफरेंट यानी जो अब तक के लिए हुआ उसको आप इनोवेट कर रहे हैं. दैट इज क्रिएटिव. क्रिएटिव थिंकिंग यानी कि आप अभी तक तो ऐसा कोई बच्चा मेरे स्टूडेंट्स में ऐसा नहीं आया था कि ऐसा मेरे को हैंडल करने की जरूरत पड़ी थी. लेकिन अब इतना लो एवरेज स्टूडेंट आया है कि मैं उसको हैंडल नहीं कर सकती. या इतना हाई स्टैंडर्ड लड़का तो बहुत जल्दी हर चीज़ समझ जाएगा. बहुत मोटी ही है उन्हें क्लास में जल्दी जल्दी वर्क करके मैं टीचर को सताता तो उसको हैंडल करना प्रॉब्लम हो रही है. तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा. तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज योर क्रिएटिव थिंकिंग.
aspect of teacher creative, madam? Kasalana creative thinking? Self-awareness, then again, come to the end first point. Self-awareness, aap behar zaruri apne aap ko jana, aap kya kar sakte, kaisa karne wale hai, you have to think that. You should know about yourself, aap kitna kar sakte aur kitna nahi kar sakte. Jo nahi kar sakte, usko chhodna nahi hai, balki work hard karna hai usko. Work hard karenge to? Easily you can reach your goals, no? आप ये गोल्स के तरफ आसानी से बढ़ सकते हैं. अगर आप क्रिएटिव थिंकिंग है, यू आर अप्लाइंग दिस टू ऑल योर स्टूडेंट्स टू और इन योर लाइफ, तो आप अच्छी तरीके से डिसीजन ले सकते हैं. समझ में आई डिसीजन क्या लेना है? आपको डिसीजन इंडिविजुअल आंसर हाउ टू मैनेज द स्टूडेंट्स. How to teach them? Very good, very nice. Yes, ma'am? How to change that particular student? How to change the mentality of the student? In particular way, जो भी आप चाह रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं कि आपका student ऐसा होना चाहिए, तो आप उसके लिए क्या करने वाले हैं? तो ये सब creative thinking में आएगा आपको, और वो creative thinking आपको decision making के लिए important है. आपको decision लेने के लिए क्या need है, क्या जरूरी है? सोचना, मैं ये बच्चे को फेल कर रही हूँ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई शुड आई फेल देम. सोचना पड़ेगा ना. आई कैन डू हार्ड वर्क ऑन देम. क्या मैं उनके ऊपर हार्ड वर्क कर सकती हूँ? सेल्फ अवेयरनेस में जाइए, थोड़ा सोचे वक्त सोचिए कि क्या मैं ये चीज़ों को परफेक्टली कर सकती हूँ और नहीं कर सकती हूँ. कर सकते? कर सकते. इफ यू थिंकिंग दैट कर सकते, तो एक टारगेट सेट कर लिए आपने. आप कर सकते हो, लेकिन सेटिंग योर टारगेट, तो उसके बाद फिर आप क्या सोचते हैं? टारगेट सेट करने वाले उसके एम्स प्लानिंग करते, क्या क्या एम्स है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है. तो अगर एक बच्चा बहुत लो एवरेज है, तो आप सोचते हैं मेरे को उसको परफेक्ट बनाना है, ये आपका टारगेट सेट. आप कैसा बनाना है? मैं उससे हंस के बात करूँगी, उसको ये वर्क दूँगी, पूरे स्टूडेंट के साथ सामने में उन लोगों को क्या करूँगी, आप तो हैप्पी. तो दूसरे दिन उन्हें थोड़ा प्रिपेयर हो कहेंगा, अरे मैम जैसे ये क्वेश्चन पूछिए, टीचर जैसे ये क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो मैं जल्दी से आंसर दूंगा. अगेन आई विल गेट अप्रिसिएशन फ्रॉम टीचर्स. तो ये आपकी एबिलिटी के अंदर है, आपके अंदर है. आपकी क्रिएटिव थिंकिंग में आप कितना सोच रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, आपको क्या करना है, आप कहाँ सोच रहे हैं, आपके माइंड में, दैट इज क्रिएटिव थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग. कितना इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया? ये ओनली दिस टू थिंग्स इज फॉर ओनली टीचर्स. स्टूडेंट का काम नहीं है ये, ओनली फॉर टीचर्स है ये. टीचर्स को डिसीजन मेकिंग भी करना है, क्रिएटिव थिंकिंग भी रखना है, तभी ये प्रोफेशन में आना है. क्योंकि यू आर मेकिंग अ वन लाइफ, वन होल लाइफ. अब आपके पास हर साल 45 स्टूडेंट्स रहते, तो आप 45 लाइफ बना रहे हैं आप, तो उनकी पूरी लाइफ की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? आपके ऊपर है, आप टीचर्स के ऊपर है. तो उनके लिए ये चीजें होना बेहद जरूरी है. अंडरस्टूड? यस. आर यू बोली? देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट, यानी ये बोल टीचर एंड स्टूडेंट. टीचर एंड स्टूडेंट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है. हम दोनों का, यानी मेरा और आपका रैपोर कैसा है, मेरा और आपका रिलेशनशिप कैसा है, मैं आपको कितने अच्छे से पढ़ा रही हूँ, मैं आपको समझ सक रही हूँ या नहीं समझ सकती हूँ, ये पूरा कहाँ पे आ जाएगा? रिलेशनशिप इंटरपर्सनल, यानी हम दोनों का रिलेशनशिप के अंदर, हम लोगों के रिलेशन में ये बात समझ में आएगी कि मैं आपको कितना समझ रही हूँ और कितना मेरे को अभी बाकी है आपको समझना, आप लोग मुझे कितना समझ रहे, क्या मैं जो पढ़ा रही हूँ कि टच कर रहा माइंड में, कॉन्शियस माइंड में टच कर रहा है कि सबकॉन्शियस माइंड में टच कर रहा? कॉन्शियस माइंड में टच कर रहा. उसको आप कर करके उसको सबकॉन्शियस माइंड में रख देना, फिर कभी कभी याद आएगा उसको निकालना, ठीक है? तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट एज वेल. क्यों?
जब तक कि आपका स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होगा, आपका रैपो अच्छा नहीं रहेगा, यू कांट अंडरस्टैंड देम। समझ सकते हैं? अगर मैं आपको नहीं समझी कि आप समझ रहे मेरी बात, नहीं समझ रहे तो मेरे लिए बेकार है ये क्लास देना। अगर मैं समझ रही हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे और यू आर टेकिंग इट सीरियसली और टेकिंग माई वर्ड, तो मेरे को खुशी हो रही है, मैं कुछ अच्छा आज सिखा के यहाँ से जा रही हूँ बोल। सो दैट इज इन द पर्सनल रिलेशनशिप, स्टूडेंट्स के और टीचर के बीच में रहना बेहद ज़रूरी है। अब थोड़े स्किल्स के बारे में बात करिए, पूरे स्किल्स ही है, ये स्किल्स है, थोड़े और स्किल्स जैसे कि हैं रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, अब इसमें देखिए रीडिंग एंड राइटिंग का पार्ट जो है ओनली फॉर स्टूडेंट्स, ओनली फॉर स्टूडेंट्स रीडिंग एंड राइटिंग। यू कैन हेल्प देम, अगर मैं आपको एक बुक देके बोलती हूँ कि यू हैव टू रीड दिस, आई विल हेल्प यू इन बिटवीन इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम सम प्रॉब्लम, अगर आप किसी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं तो आई विल हेल्प यू एंड आई गिवन यू द वर्क फॉर राइटिंग, means you have to write, आपको लिखना है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है लिखते वक्त तो आई विल हेल्प यू। छोटे बच्चों को ऐसे ही रहता ना प्राइमरी में हैंड पकड़ के स्ट्रोक्स लिखाते, तो स्ट्रोक सी स्ट्रोक देन लिसनिंग एंड स्पीकिंग, दिस बोथ आर फॉर टीचर्स एज वेल स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दोनों के लिए है। यानी कि जब मैं बात कर रही हूँ यू हैव टू लिसन एक्टिवली, लिसनर्स जिसको बोलते हैं आई थिंक यू नो दैट हियरिंग और लिसनिंग में दिस इज ओवर आई थिंक फॉर योर क्लास, नेहानी मैम की क्लास में इट्स ओवर लिसनिंग एंड हियरिंग। अंडरस्टूड? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू between two, listening and hearing, what is listening, what is hearing? I think it's okay for you. Yes. I guess. Yes. So, I want to ask you, what is the difference between listening and hearing? Hearing or listening, difference hai? Yes. Both are different hai? Yes. Who is saying yes, just raise your hand. क्या डिफरेंस है? कोई बोल रही है यस आई नो दैट, जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे उसको क्लियरली समझा मींस जस्ट लिसनिंग, जस्ट अ पर्सन स्पीकिंग लाइक यू आर स्पीकिंग दिस आई एम एबल टू हियर, एंड लिसनिंग मींस सपोज इफ यू आर सेइंग अबाउट सम पर्सन मींस दैट कैरेक्टर वी आर फीडिंग इन अवर माइंड लाइक द स्कॉलर्स इज Hearing with understanding is listening. Hearing means आपके पीछे गाड़ी वाले जा रहे हैं बुसरा, जस्ट इट इज टचिंग टू योर ईयर, तो साउंड जा रहे हैं आपके कान में और वो चले जा रहे आ रहे जा रहे, बट यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इट, क्या आवाज थी यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट, तो वो क्या हो जाएगा हियरिंग, सुन रहे आप सिर्फ सुन रहे आपके कान को टच कर रहे हो। लिसनिंग मीन्स किसी चीज़ को आप अंडरस्टैंडिंग में लेना, जैसा मैं बोल रही हूँ आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो उसकी, दिस इज लिसनिंग, तो ये दोनों का पार्ट है, जब मैं बात कर रही हूँ तो आप उसको समझ रहे, लिसनिंग कर रहे हो उसको अच्छी तरीके से समझ रहे, और जब आप मेरे से कोई सवाल कर रहे हैं तो मैं आपको सुन रही हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको क्या पूछना है मेरे से या क्या मेरे से डिस्कस करना है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी नहीं लिसनिंग, तो ये दोनों के लिए है टीचर एंड स्टूडेंट्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लेकिन रीडिंग एंड राइटिंग फॉर स्टूडेंट्स कि वो लोग समझना भी उसको और सॉरी लिखना भी और पढ़ना भी, रीड भी करना है और लिखना भी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है हेल्प टू स्टूडेंट्स, हेल्प भी करना है ना, यू विल स्टार्ट अवर टॉपिक नाउ।
excuse me. This was here. Your class will be till 5 o'clock. Why? Sir has to leave. So half an hour. गाइड्स में सिर्फ कोई पढ़ाने की चीज़ है, वो शॉर्ट फॉर्म
You have to explain each and everything, whatever you are having in your syllabus. है ना, करेक्ट है? So basically teaching को आप वो छोटे से जिसमें मान लो, it means teaching means you have to teach each and everything, जैसा आप moral values सिखा रहे हो उसको, respect करना सिखा रहे हो उसको, तो उसी तरह आप जब teaching कर रहे हैं तो पूरा जो chapter है first to last, like when I was a teacher, यानी lecturer से पहले मैं teacher थी 1 month के लिए school में, तो social studies core class को प्रारंभ हमें दी, तो मैं क्या करी, पढ़ा रही थी फुल प्रिपरेशन के साथ ही थी बिकॉज आई हैव डन माय बीएड, तो उसके बेसिस पे टीचिंग प्लान बना के, नॉर्मली टीचर्स विल नॉट डू दैट, तो मैं टीचिंग प्लान बनाई करी, पढ़ी करके जाके पूरा समझा दी आफ्टर ड्रिल्स यानी एक्सरसाइजेस के बाद क्या हुआ, एक लड़की आई, शी वॉज टॉपर ऑफ द क्लास फोर क्लास, तो फर्स्ट रैंकर थी वो, और मैंने आपको समझ में तो आया मेरा पर्सनली मासी आपको समझ में आया ना, मैं कैसे समझाई आप पूरा याद करें, आंसर्स याद करें, आई वॉज आस्किंग लाइक दैट, तो शी सेड मैम टीचर हमें बहुत अच्छे से समझ में आया, शी वॉज हैप्पी, बहुत अच्छे से समझ में आया, आप जैसे हम लोग को समझाए, हम जाके घर में मेरी मम्मी को समझाया था, मेरी मम्मी बहुत खुश हो गई, अच्छा पढ़ाई हो रही, शी सेड मतलब बच्चे पास करते वॉट एवर यू आर डूइंग एक्टिविटीज इन योर क्लास दे विल टेल टू देयर पेरेंट्स आल्सो, तो डोंट थिंक के वो लोग बेचारे हैं मासूम है, दे विल टेल एवरीथिंग. So, evaluating student progress. Next is evaluating student progress. अच्छा है तो और परसेंटेज और कितना अच्छा कर सकते हैं आप, दिस इज विल कम इन योर क्रिएटिव थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, कि अगर बच्चा पास है तो आप उसको और क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, हायर पोजिशन में लाने, डिस्टिंक्शन में लाने, ए प्लस में लाने, और अगर डल है तो वॉट यू हैव टू डू, अगेन इवेलुएटिंग प्रोग्रेस इज दैट ओनली. Then encouraging the students and acting as a teacher advisor for a student. यानी आपको हमेशा एक advisor के तौर पे रहना चाहिए. Encourage करते हैं ना? You can do, you can teach. मैं भी आपको encourage कर रही हूँ कि आप लोग पढ़ा सकते हैं वो तरीके से, बेहतर तरीके से. और all of you are having a creative thinking here. सब जने active है अभी तक. Nobody is sleeping here. So I'm encouraging you कि you can teach better than me. This is इंकरेजमेंट. देन एडवाइजर, अब आपको अगर कुछ एडवाइस चाहिए मेरे से कि मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए, आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, कैन आई गिव यू सम एडवाइजेस, इफ यू आस्क मी आई विल टेल यू इट. तो आपके स्टूडेंट्स भी अगर दे नीड एनी एडवाइस, गिव देम पोलाइटली, नहीं बेटे आप ऐसा मत करिए, आप ऐसा करिए, यू विल गेट बेटर रिजल्ट फॉर देम. ये टीचर का, टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी. मेंटेनिंग डिसिप्लिन, क्लासरूम रह लो, आउट ऑफ क्लासरूम रह लो, आपका बिहेवियर स्टूडेंट्स के साथ इतना अच्छा होना चाहिए कि डिसिप्लिन ऑलवेज मेंटेन, दे शुड मेंटेन. आप नहीं करें तो स्टूडेंट्स टीचर आ रहे, दे हैव टू बी इन डिसिप्लिन. फिर द क्लासरूम, देन रनिंग एक्स्ट्रा करिकुलर, जैसा कि स्पोर्ट्स खिला रहे कभी कभी, आपका भी मूड नहीं होता कभी क्लास में पढ़ाने का, आज आई एम फीलिंग वेरी डल एज ए टीचर, मैं बहुत डर फील कर रही हूँ, तो वॉट आई हैव टू डू, उनको अगर छोड़ दिया तो फिर तो आपकी पूरी क्लास आपके सदर पे, राइट? अगर मेरा मूड नहीं है आज पढ़ाने का तो पूरी क्लास विल टीच मी, ऑल स्टूडेंट्स विल कम टू मी, टीचर यू नो ऐसा कर रहे, टीचर यू नो वैसा कर रहे, ही इज बीटिंग मी, शी इज स्लैपिंग मी, वॉट एवर इज देयर, पूरी क्लास आपको टीच करती फिर. सो क्या करना है उस टाइम पे आपको, मेंटली यू हैव टू रेडी फॉर दैट, कि आज इफ आई एम इल आई कैंट टेक द क्लास, व्हाट शुड आई हैव टू डू, यू हैव टू कंडक्ट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जस्ट लाइक स्पोर्ट्स, आज आप हम लोग क्या खेलेंगे, पासिंग द रिसर्च खेलेंगे, यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दिस लेसन, तो मेंटली आई विल गिव यू फॉर 5 मिनट्स, रीड दिस लेसन, रीड दैट आंसर, आई विल आस्क यू दैट, सो आई एम टर्निंग दैट साइड, आई एम गिविंग यू प्ले दैट 1-2-3 मिनट्स. क्लब्स हैं आपके स्कूल में, जो भी छोटा मोटा या ग्राउंड है जो भी है, वहाँ पे लेके जाके बच्चे नाना करना, यू आर नॉट इन मूड ऑफ टीचिंग, हो उससे हर चीज़ में मूड रहता है एक्टिव रहने के लिए, तो वो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज. कम्युनिकेटिंग विद पेरेंट्स, हाउ आर स्टूडेंट प्रोग्रेस, प्रोग्रेस निकाल ले रहे हैं हम, तुम अच्छे हैं बुरे हैं, अच्छे मार्क्स लाया या अच्छे मार्क्स नहीं लाया, इफ यू आर फाइंडिंग दिस थिंग्स, तो आपके पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्यों?
क्योंकि दे आर पेरेंट्स एट होम, यू आर पेरेंट एट स्कूल, आप स्कूल में उनके पेरेंट्स हैं, यू कैन टेक ए डिसीजन फॉर देम। बट पेरेंट्स को इसलिए बताना है कि ये चीज़ों में, जैसे हम लोग टीचर पेरेंट मीटिंग्स को एवरी सेकेंड सैटरडे विल डू, मे बी सम स्कूल्स और सम स्कूल विल डू इन अ मंथ, ऐसा कुछ है वो, तो पेरेंट्स के साथ डिस्कशंस करना बेहद ज़रूरी है। इसको प्लान टीचर प्लान करना है, पेरेंट्स के साथ क्या बात करना है, क्या डिस्कशंस करना है, और उसको ऑर्गेनाइज भी करना है। किसको? किसको? मीटिंग, टीचर पेरेंट्स मीटिंग। चलिए नेक्स्ट इज प्रोफेशनल एथिक्स। एथिक्स मीन्स व्हाट? एथिक्स मीन्स व्हाट? बनाना है ना? ये नहीं, बेकार है।
कैसे क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर जरूरी तालीम के लिहाज से हम ये समझते हैं कि बीएड पढ़ लेना सम कोर्सेस ले लो तो ये जरूरी है समझते हैं। तो मेरी वही रेस्पॉन्स आप लोगों को स्टोरी सुना चुके 24 ईयर्स तक एक टेन नहीं सुना है आई विल टेल यू अगेन ही विल अगेन एक्सप्लेन यू वंस तो मैं भी बोल देती हूँ। तो क्या होता एक टीचर रहते उन्होंने 1 ईयर का एक्सपीरियंस रहता तो 24 ईयर्स तक 25 ईयर्स उन्होंने टीचिंग करते तो फिर एक कॉम्पिटिशन होता टीचर्स का तो उसमें फेल हो जाते तो उन्होंने बोलते मेरे पास 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है आई एम हैविंग 25 ईयर्स एक्सपीरियंस आप मेरे को कैसा फेल कर सकते मैं आपके बड़े डायरेक्टर से मिलना चाह रहा हूँ तो नहीं मतलब क्यों मिलना चाह रहे हैं आप तो नहीं मेरे पास इतना सारा एक्सपीरियंस है ना भाई मैं तो आपको अच्छा और अच्छा दे सकता हूँ कि स्टूडेंट्स को अच्छा कर सकता हूँ तो नहीं नहीं आपको हमारे सर से मिलना है ठीक है। तो लोग बोलते हैं कि आप हैं सही बात है 24-25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है लेकिन ये सही नहीं है बिकॉज आप एक्सपीरियंस पर 1 ईयर है वो 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिवाइंड या क्या रिपीटेड 24 ईयर्स है यानी एक ही ईयर का एक्सपीरियंस है आपको ये तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ लेकिन वो रिमेनिंग 24 ईयर्स जो है ना वो रिपीटिंग है तो सबसे रिपीटिंग यानी वही जो पहले था मेरे को उसके मकसद नहीं है मेरे को उससे नहीं है मेरे को टेक्नोलॉजी नहीं सीखना है मेरे को वो नहीं सीखना है मैं जो हूँ बस वही हूँ खत्म। तो सबसे पहले इसीलिए मैं ये बोली क्योंकि न्यूज़ अपडेटेड आज के दौर में क्या चल रहा हूँ इसलिए तो न्यूज़ अपडेटेड होना बेहद ज़रूरी है भाई करंट अफेयर्स मालूम होते हैं आपको कि अब दौरे हाजिर में क्या चल रहा आप बच्चों को क्या देना है क्या पढ़ाना है क्या मैं जैसा पढ़ाई वही सफिशियंट है नहीं कुछ और भी अच्छा पढ़ा सकती हूँ मैं क्या टेक्निक्स निकले तो न्यूज़ अपडेटेड है ना टीचर के लिए एक एजुकेशन के बराबर है आपका वो 1 ईयर का 24 ईयर जो कंटिन्यू करे दैट इज नॉट एक्सपीरियंस दैट विल नॉट कॉल एज एक्सपीरियंस रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स मैं टीचर हूँ तो यहाँ पे कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से भी बड़े लोग हैं तो आई शुड रेस्पेक्ट देम क्यों बिकॉज ये एल्डर्स हूँ तो मैं उनकी रेस्पेक्ट भी करना ऐसा नहीं है रिस्पेक्ट नहीं करना है तो एक टीचर को हमेशा अपने से बड़े की इज्जत भी करना चाहिए आपका मैनेजमेंट भी हो सकते हैं आपके प्रिंसिपल भी हो सकते हैं आपके कॉलीग भी आपसे बड़े हो सकते हैं तो उन्होंने ऐसे हैं उन्होंने होते हैं उन्होंने चिड़चिड़े हैं दिस विल हैपन इन स्कूल्स आई नो दैट तो उन्होंने चिड़चिड़े हैं उन्होंने ऐसे हैं भी बोला नो नो दैट ऑलवेज रेस्पेक्ट फॉर अदर्स ए रोल मॉडल और हमेशा अपने आप को एक रोल मॉडल की जैसा रखिए कि मेरे को लोग फॉलो करना रोल मॉडल मीन्स मालूम ना कोई आप पसंद करके आपके नक्शे कदम से चलने की कोशिश करना दैट विल कॉल्ड एज ए रोल मॉडल गुड बिहेवियर विद कलीग्स हमेशा अपने कलीग से अच्छे बिहेवियर से पेश आना। एक लास्ट टाइम में लास्ट बेच में एक लड़की ने क्वेश्चन किया था कि मैम हम कितना भी अच्छा रहो हमारे साथ लोग अच्छा नहीं करते यानी बिहेवियर अच्छा नहीं है हमारे साथ तो हम क्या करना बोलते यानी ग्रुप्स बनाएंगे डिवाइड करिए हमारा ग्रुप एक्सल स्कूल्स में होता है पॉलिटिक्स बोलते हैं तो राइट प्लीज फीडबैक फॉर मी ऑल ऑफ यू तो हमेशा मीन्स उन्होंने कि ग्रुप वाइज डिवाइड हो गए हम लोग ग्रुप में और उन्होंने ग्रुप में रहे थे हम उनको देख के मुस्कुराए भी तो हम आपको बॉन्डिंग करके समझ के हम आपके लड़ने आ जाते क्या तो हम क्या करना मैं आप बोल के पूछे होंगे तो आई सैड यू जस्ट स्माइल फॉर हाउ मतलब फुल स्माइल देख आई डोंट हैव एनीथिंग इन माई हार्ट फॉर यू मतलब अगेंस्ट यू आपके खिलाफ मेरे दिल में कुछ भी नहीं है बल्कि आई थिंक एवरीथिंग गुड फॉर यू ऐसा आपका बिहेवियर होना चाहिए पर्सनली आई एम सेइंग और क्लास में कभी भी कास्ट एंड नो ग्रेड्स प्लीज नो कास्ट नो ग्रेड्स सब कुछ इक्वली देखिए एंड नो पॉलिटिक्स इन अच्छे हैं उन्हों खराब है उन्हों अच्छे नहीं है तो क्या दिल में बगावत वो करवाहट वो पैदा होने की चांसेस आ जाए तो क्यों नहीं दे रहा उसे I want to show you one thing also. So before this start, I will see that. So I want you guys, please observe the video once.
वीडियो में क्या क्या चीज़ें हैं ऑब्जर्व करके मेरे को बोलिए, ठीक है? ऑल ऑफ द गर्ल्स आई थिंक आई हैव टू शो दिस, शायद हमारा थोड़ा डिले हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम आई विल कम अगेन, तो आई विल टेक दिस वीडियो. समझ में आया ना टीचर की जिम्मेदारियाँ, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज? जस्ट हैव अ लुक और सीरियसली से दिस अमेजिंग वीडियो इज, आप देखो आप समझो, और मेरे को भी समझाओ जरा समझने के बाद, ठीक है? Physics of that.
But before that, fundamentally, it was given what it is. Yes, all the teacher, okay? Sigma.
call to retain that is encouragement, motivation to the students. No more learning. एकदम साइलेंट बैठने वाली और क्या था मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर फॉरगेटिंग दैट मतलब मैं सोची कि वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है दैट इज गुड तो नोटोरियस था ना सबसे ज्यादा वो तो सुधर गया और एक अच्छी चीज थी टीचर सर मैं परफेक्टली कर सकती हूँ रिलेशनशिप बिटवीन कॉलीग्स उसमें This one only. Yes. Teachers creativity is the most important thing for a creative classroom. मेरे यानी teacher की एक creative net ही ज़्यादा important है classroom के लिए creative यानी एक अच्छी classroom के लिए and we should know what is creativity of a teacher such as अभी हमारे लिए है हमको हमारी क्रिएटिविटी क्या रखनी चाहिए इंजॉय टीचिंग फर्स्ट थिंग अगर आप इंजॉय करते तो यू कैन मेक एनीथिंग इन द क्लासरूम देन पॉजिटिविटी नेगेटिव कभी नहीं सोचना इवन आप पर्सनली रहें लो या प्रोफेशनली रहें लो ये चीज़ हर एक के ऊपर अप्लाई होती है यू शुड नॉट थिंक एनी टाइम नेगेटिव यू शुड नॉट थिंक क्या करना है पॉजिटिविटी में रखना है बाय स्माइलिंग एक स्माइलिंग है तो आप अपने तरफ सबको इंटरेक्ट कर सकते हैं कर सकते हैं पर्सनली इंटीग्रेशन यानी टीचर का खुद से उसमें इन्वॉल्व होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों को करने से ज़्यादा खुद भी इन्वॉल्व होना बच्चों से तो वो क्रिएटिव टीचर की क्या है क्रिएटिविटी है टीचर्स यानी अगर मैं कुछ लिख रही हूँ तो मैं बच्चों को ला के बता रही देखो ऐसा लिखना मैं उनके पास जाके कर रही हूँ तो मैं स्टूडेंट सेंटर्डनेस में हूँ उनकी क्रिएटिविटी में हूँ इनोवेशंस नए आइडियाज़ के साथ आ जाना बच्चों को समझाना क्यूरियोसिटी रहना तजस्स रहना नई चीज़ में क्या कर सकती हूँ आई एम गोइंग टू डू इट फास्ट माय मदरसानी क्यूरियोसिटी रहना चाहिए टीचर के अंदर आइडिएशन न्यू आइडियाज कैसा पढ़ाऊँ मैं ये लेसन ऐसा है इसमें सी प्रॉब्लम्स है इसमें अलग प्रॉब्लम्स है तो आप उसको कैसे समझोगे दिस इज़ वेरी